हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से लिए गए भूगोल के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न बताऊंगा। ये जो प्रश्न है ये सीटीईटी, यूपीटीईटी, एमपीटीईटी, बिहार टीईटी, राजस्थान टीईटी, उत्तराखंड टीईटी, कर्नाटक टीईटी और अन्य स्टेट में जो टीईटी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न है ये एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। जो विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जो ज़्यादातर प्रश्न आते हैं ये एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं। तो जो कैंडिडेट्स टीईटी एग्जाम्स के लिए और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने टीईटी एग्जाम्स और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की स्टडी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट्स टीईटी एग्जाम्स के लिए और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स मंगाना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो में भी मैं आपको नंबर बताऊंगा। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें। यहाँ प्रश्न एक है, पेटेंट का क्या अर्थ, क्या तात्पर्य है, पेटेंट का क्या तात्पर्य होता है? इसका उत्तर है, जो पेटेंट होता है इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। पेटेंट का जो तात्पर्य होता है इसका अर्थ है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। प्रश्न दो, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? का उपयोगिता, खा मूल्य, गा मात्रा। यहां बताना है इनमें से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, उपयोगिता, मूल्य और मात्रा में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? इसका सही उत्तर है गा मात्रा, मात्रा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। प्रश्न तीन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? यहाँ कुछ संसाधन के नाम बता दे रखे हैं, इसमें बताना है मानव निर्मित संसाधन कौन सा है। का कैंसर उपचार की औषधियां, खा झरने का जल, गा उष्णकटिबंधीय वन। इसका जो सही उत्तर है ये है का कैंसर उपचार की औषधियां, कैंसर उपचार की औषधियां मानव निर्मित संसाधन है। प्रश्न चार, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? का सीमित भंडार वाले, खा मनुष्यों द्वारा निर्मित, गा निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। इसका सही उत्तर है का सीमित भंडार वाले, अनवीकरणीय संसाधन सीमित भंडार वाले होते हैं। प्रश्न पांच, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? इसका उत्तर है नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं ये वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत, शीघ्रता से दोबारा से बन जाते हैं अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। अगर इन्हें ये खत्म हो जाते हैं तो इनकी पुनः पूर्ति शीघ्रता से हो जाती है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। प्रश्न छः, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? उत्तर, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। ऐसे संसाधन जिनका भंडार सीमित है वे अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। अगर एक बार उनका भंडार समाप्त हो गया तो उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम तथा पेट्रोल प्राकृतिक गैस। मैं बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स पीडीएफ के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मंगाना चाहते हैं, जो पीडीएफ नोट्स मंगाना चाहते हैं टीईटी एग्जाम्स के लिए और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर है 9411513974। और जो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं टीईटी एग्जाम्स और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, वो मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रश्न सात, मानव संसाधन विकास का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। प्रश्न आठ, संसाधन संरक्षण का क्या अर्थ है? संसाधन संरक्षण का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनका सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण, रिन्यूएबल होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। प्रश्न नौ,
सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। प्रश्न 10, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? इसका उत्तर है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका जो वितरण होता है ये भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। प्रश्न 11, भूस्खलन का क्या अर्थ है? भूस्खलन का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है, भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो भूस्खलन होता है इसको सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। जो भूस्खलन होते हैं ये प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। प्रश्न 12, भारत में कितने प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं? भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कितनी प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं? इसका उत्तर है, भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। भारत में जो मिट्टियां पाई जाती हैं ये मुख्य रूप से जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। प्रश्न 13, मल्च बनाना का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। प्रश्न 14, वेदिका फॉर्म का क्या अर्थ है? वेदिका फॉर्म का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। जो चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका होते हैं ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। जो सपाट सतह है ये फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। प्रश्न 15, मृदा पारगम्यता को निर्धारित कौन करता है? मृदा पारगम्यता को कौन निर्धारित करता है? इसका उत्तर है, जनक, सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा मृदा पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। प्रश्न 16, मृदा की दर को कौन प्रभावित करता है? इसका उत्तर है, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण मृदा की दर को प्रभावित करते हैं। मृदा की दर को जो प्रभावित करते हैं ये होते हैं, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण मृदा की दर को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 17, मृदा के संचय को कौन निर्धारित करता है? मृदा के संचय को कौन निर्धारित करता है? इसका उत्तर है, उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ये ऐसे ही प्रश्न टीटी जो विभिन्न प्रकार के टीटी और सीटीटी और अन्य जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक से लिखे हैं और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ही भी इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। और जो टीटी एग्जाम्स होता है उसका रिजल्ट हर साल लगभग 85% ही आता है, तो 15% ही आता है और 85% लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि वो एनसीईआरटी की बुक से नहीं पढ़ते। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इन प्रश्नों को अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा और बार बार इनको दोहराइएगा ताकि आपको ये अच्छी तरह ध्यान रहे। प्रश्न 18 है, मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को कौन निर्धारित करता है, कौन प्रभावित करता है? मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करता है? इसका उत्तर है, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 19, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निश्चित करता है? इसका उत्तर है, समय। जो समय होता है ये मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। प्रश्न 20, समोच्च रेखीय जुताई का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। प्रश्न 21, रक्षक मेखलाएं का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। रक्षक मेखलाएं होती है जो तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश होते हैं उसमें पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। प्रश्न 22, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग कितने लीटर जल का उपयोग करता है? इसका उत्तर है, 150 लीटर। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल का लगभग उपयोग करता है। प्रश्न 23, औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर कितने लीटर जल बचाने के लिए काफी है? औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर कितने लीटर जल बचाने के लिए काफी है? इसका उत्तर है, 8,000 लीटर।
औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। प्रश्न 24, CITES का पूर्ण रूप क्या है? CITES का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। प्रश्न 25, CITES का उद्देश्य का क्या उद्देश्य है? CITES का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी जिसने प्राणी और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। CITES एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी है जिसने प्राणी और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये जो सूची है इसमें जो सभी जो पक्षी दिए गए हैं और जो प्राणी दिए गए हैं उनके व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रश्न 26, जैव मंडल निचय क्या है? जैव मंडल निचय क्या होता है? इसका उत्तर है ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। जैव मंडल निचय एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। प्रश्न 27, CITES द्वारा लगभग कितने पशुओं की और पौधों की जातियां रक्षित की गई हैं? CITES द्वारा लगभग कितने पशुओं की और पौधों की जातियां रक्षित की गई हैं? इसका उत्तर है लगभग पशुओं की 5,000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। CITES द्वारा पशुओं की 5,000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। प्रश्न 28, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? इसका उत्तर है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक तापमान और वर्षण है। प्रश्न 29, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। इसका उत्तर है भूमि निम्नीकरण के दो दो कारण है, एक मानवीय कारण है वनोन्मूलन अतिचारण रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, दूसरा प्राकृतिक कारण है वर्षा दोहन भूस्खलन और बाढ़। प्रश्न 30, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? इसका उत्तर है भूमि हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना हमें आवास खाना पानी आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो भूमि होती है हमारे जीवन का आधार होती है, इसके बिना हमें आवास खाना पानी आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने जो सीटीईटी एग्जाम्स होता है ये 2 बार क्वालिफाई किए, पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों, एक 2015 में एक 2018 में। और मैंने देखा है जो पेपर में ज्यादा प्रश्न आते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं, तो इन प्रश्नों को बार बार अच्छी तरह लिख के और बार बार इनको दोहराएगा ताकि जब सीटीईटी और अन्य टीटी एग्जाम्स और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो आप देने जाते हैं तो आपको ये प्रश्न ध्यान रहे और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें, और जो कैंडिडेट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए पीडीएफ नोट्स मंगाना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।